नमस्कार, नेशन अपडेट डॉट इन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। शपथ ग्रहण समारोह से एक दिन पहले कैबिनेट सदस्यों को लेकर माथापच्ची। मंत्रिमंडल के सदस्यों को लेकर मोदी और अमित शाह ने 5 घंटे तक किया विचार विमर्श। आज हो सकता है कैबिनेट सदस्यों का चेहरा साफ। 40% नए सदस्यों को मिल सकता है मौका। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर आरबीआई ने किया बड़ा बदलाव। रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट के जरिए पैसे भेजने का समय 1.5 घंटे बढ़ाकर शाम 6 बजे तक कर आम आदमी को दी राहत। 1 जून से लागू होगा यह नियम। उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में नवीन पटनायक ने 21 मंत्रियों के साथ ली शपथ। 5वीं बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में ले रहे हैं शपथ। मोदी ने दी बधाई। जम्मू के रत्नुचक मिलिट्री स्टेशन का वीडियो बनाने वाले 2 संदिग्धों को सेना ने किया गिरफ्तार। मिलिट्री स्टेशन का वीडियो बनाकर पाकिस्तान में अपने आकाओं को देते थे कैंप की जानकारी। एक बार फिर जम्मू के कुलगाम में सीआरपीएफ और आतंकियों के बीच हुआ मुठभेड़। जवानों ने एक आतंकी को किया ढेर। मुठभेड़ के बाद कुलगाम गांव में इंटरनेट सेवाएं कर दी गई हैं बंद। शराबियों के लिए आई अच्छी खबर। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर बसवराज ओवैस ने किया शराब दुकानों के समय में बड़ा बदलाव। अब शराब दुकानें 2 घंटे ज्यादा देर तक खुली रहेंगी। 6 जून को मनाया जाएगा छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स का 60वां वर्षगांठ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। छत्तीसगढ़ सरकार की बस्तर में 30 मई को बड़ी बैठक। पहली बार ऐसा बैठक जिसमें स्थानीय विधायक करेंगे इसकी अध्यक्षता। भूपेश बघेल 30 मई को जगदलपुर में करेंगे शहीद महेंद्र कर्मा की मूर्ति का उद्घाटन। बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक में देंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ nationupdate.in में। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल nationupdate.in।